सर आपको बोल रहा था ना चांस की डील निकाल दूंगा, 70 की चीज 50 में लेके आ गया हूँ सर। बस आप बगैर देखे बस आप ओके करें सर, कोई मसला ही नहीं है। क्या खड्डा है उधर? अरे सर कैसी बातें कर रहे हैं, कौन सा खड्डा सर? What? You're kidding, right? सर ये मैप गलत बता रहा है सर आपको। सर मैंने पार्क फेसिंग दिया है, बैरियर टाउन की इनसाइड नॉलेज मेरे पास मौजूद है सर, कोई मसला ही नहीं है। आप लोगों की बातों पे कहाँ जाते हैं सर, आप छोड़े ये देखने वेखने को, आप बस बिस्मिल्लाह करें सर। मैं कह रहा हूँ ना मैं ही भेज दूंगा, कोई टेंशन ही नहीं है। What? You're kidding, right? सर ये प्रोजेक्ट में बस आप इन्वेस्टमेंट कर दें सर, 4 साल की तो सर कहने की बात है ना, मैं तो 6 महीने में आपके पैसे रोल कर दूंगा। ये बिल्डर अपने पैसे डबल कर देगा आपके, वैसे ही प्राइसेस आपको पता है ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही हैं, तो बस आप बुक करवाएं सर। एक नहीं सर 2 बुक करवाएं इस दफ़ा आप, लास्ट टाइम भी आपने 1 बुक करवाया था, डबल हो जाएंगे सर पैसे, कोई मसला नहीं। What? You're kidding, right? और इस तरह के कई झूठ जो डीलर और ब्रोकर मिल के कस्टमर के साथ झूठ बोलते हैं अपनी चीज़ को बेचने के लिए, आज हम बात करेंगे उन झूठ के ऊपर, ताकि आप एक आम कस्टमर किस तरीके से उन झूठ से बच सकता है और अपनी प्रॉपर्टी को बग़ैर किसी धोखे में आए उस प्रॉपर्टी को आसानी के साथ परचेज़ कर सकता है। मेरा नाम उस्मान खलील है और आप देख रहे हैं हाउसिंग एसोसिएट, जहां हम करते हैं आपके घर के ख़रीदने के प्रोसेस को बहुत ही आसान। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि ये वीडियो ख़ास तौर पे सिर्फ उन लोगों के लिए बनाई जा रही है जो बिल्कुल फ़्रेश हैं, जो प्रॉपर्टी कहीं भी परचेज करने जाते हैं, जिनको उस जगह के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती। वो लोग जब मार्केट में एंटर होते हैं तो कोई भी ब्रोकर बआसानी उनको झूठ बोल देता है और वो उनकी बातों में आ जाते हैं। तो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए वीडियो बनाई जा रही है। ऐसा कहीं भी नहीं है कि मैं बहुत सच्चा हूँ या हाउसिंग एसोसिएट बहुत सच्ची है, कि मैं अपने आप को सच्चा प्रूफ कर रहा हूं और बाकी सारे ब्रोकरों को गलत प्रूफ कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ऑनलाइन इस तरह की कहीं भी चीज़ मुझे अवेलेबल नहीं नज़र आई, तो इसलिए आप लोगों के लिए मैंने वीडियो बना दी। पहले हम बात करते हैं कि एक प्रॉपर्टी डीलर झूठ बोलता क्यों है। उसकी ख़ास वजह है कस्टमर, क्योंकि आप अक्सर लोगों को देखेंगे जो भी मार्केट में परचेजिंग करने के लिए आता है, उसकी सबसे पहली ख्वाहिश ये होती है कि मुझे वो सौदा दिलवाओ जो मरा हुआ सौदा हो। कस्टमर जो है बस कह रहा हो कि मुझे किसी तरीके से 70 की चीज़ मुझे 50 में दिलवा दो। जिस बंदे के घर पे कोई इमरजेंसी हो और उसको पैसों की नीड हो, 1 दिन की पेमेंट के ऊपर, 2 दिन की पेमेंट के ऊपर ऐसा सौदा दिलवा के दो। तो प्रॉपर्टी डीलर इन बातों की वजह से वो उन चीज़ों को सोच रहा होता है कि कस्टमर को एक नई बात सुननी है। कस्टमर को जो बात सुननी होती है वो एक झूठ ही होता है, जिसकी बिना के ऊपर एक डीलर हजरात झूठ बोलते हैं। तो कस्टमर को चाहिए कि अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कि अपने दोस्तों में, अपने ख़ानदानों में ये प्रूफ करके दिखाए कि मैं जहाँ पर भी परचेजिंग करता हूँ सबसे कम रेटों पे जाके परचेजिंग करता हूँ। जिस दिन ये आदत ख़त्म होना शुरू हो जाएगी तो हर चीज़ मार्केट रेट पर मिलना शुरू हो जाएगी और आप सामने वाले बंदे से एक्सपेक्ट ही नहीं करेंगे कि वो आपसे झूठ बोलेगा। तो अब बात करते हैं उन कस्टमर्स की जो मार्केट रेट के ऊपर ढूंढ रहे हैं लेकिन फिर भी उनके साथ कोई ब्रोकर हजरात झूठ बोल रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको चाहिए कि जिस बंदे के साथ आप डील कर रहे हैं और वो ट्रस्टेड भी है, तो आप लोग ज़रूर किसी दूसरे बंदे से अल्टरनेटिव में ज़रूर उसके बारे में पूछें। जब आप पूछेंगे तो पूछने के बाद ये नहीं है कि आप सामने किसी ब्रोकर को जाके बोलें कि ये मैंने फलानी प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ तो इसके आप रेट मुझे बता दें। तो ज़ाहिर है फिर सामने वाला ब्रोकर भी ये समझ जाता है, क्योंकि वो लोग डेली बेसिस पे डील कर रहे होते हैं, तो वो समझ जाता है कि कस्टमर मुझसे झूठ बोल रहा है तो मैं भी फिर उसको झूठ को कंटिन्यू करता हूँ और उसकी उस प्लॉट की बुराइयाँ शुरू कर देता हूँ, उस प्लॉट का रेट कम कर देता हूँ। तो आप अगर फर्स्ट हैंड पे जाके सच सच बताएंगे कि मुझे ये वाला प्लॉट एक बंदा बोल रहा है कि आप ये परचेस कर लो और इस रेट पे बोल रहा है, तो ब्रोकर को भी चाहिए कि वो फर्स्ट हैंड पे कस्टमर को एक अच्छी एडवाइस दे। क्योंकि हमारे इस्लाम में भी है कि आप किसी को
मुफ्त की अगर एडवाइस दे रहे हो तो आप एक अच्छी और एक साफ नीयत के साथ उस बंदे को एडवाइस दो, क्योंकि वो अपनी हक हलाल की रोज़ी या अपने घर बनाने के लिए वो पैसे इन्वेस्ट कर रहा है। मैप देखें, जगह पे जाएं, वहाँ जाकर प्रॉपर उसकी रिसर्च करें कि आया ये वाला प्लॉट आपके लिए फिजिबल है या नहीं है। तो इस वीडियो में मैं अपने कस्टमर्स और ब्रोकर इन दोनों को एडवाइस करूँगा कि आप दोनों एक दूसरे के साथ फेयर रहें। ना ही कस्टमर ये एक्सपेक्ट करे कि मैं मार्केट रेट से जो सबसे ज़्यादा सस्ता तरीन सौदा और ऐसे रेटों पर आ रहा है जो ढूंढने से भी ना मिले उस रेट पे परचेज़ करा के दो। तो ये चीज़ अगर फर्स्ट हैंड पे ही क्लियर होगी तो आप लोगों को ये परेशानी नहीं होगी। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता जाऊँ कि मैं एक कस्टमर के लिए वर्किंग कर रहा था और बहुत टाइम तक वर्किंग करता रहा, क्योंकि कस्टमर को चाहिए था कि वो डील जो मार्केट से कम रेटों के ऊपर आ रही हो, लेकिन मुझे नहीं मिल सकी। लेकिन एक महीने बाद पता ये चला कि जब कस्टमर से पूछा तो उनको एक ब्रोकर ने वो प्लॉट दिलवा के दिया जिसका वजूद ही नहीं था। तो जब कस्टमर से पूछा गया कि सर ये तो वजूद ही नहीं है, तो उनका कहना ये था कि क्योंकि सोसाइटी वालों से बात हुई है या मुझे ब्रोकर ने बताया कि सोसाइटी वाले इस जगह को जो 40 फीट खड्डा है उसको पूरा फिल इन करके देंगे, ऐसा नहीं था। तो जो प्लॉट नॉर्मल आप परचेज भी नहीं कर सकते थे, आपने सस्ते के चक्कर में आपने वो प्लॉट परचेज कर लिया। तो यही बातें होती है कि ब्रोकर भी आपसे झूठ बोल रहा है और आप भी उस झूठ में खुश हो रहे हैं, क्योंकि आपको सुनना ही वही है। तो इसलिए आप दोनों एक दूसरे के साथ फेर रहे हैं। जब काम की शुरुआत ही एक सच तरीके से और नेक नियति के साथ होगी तो फिर पूरा प्रोसेस भी आपका एक नेक नियति के साथ और एक ईजी गो में आपका हो जाएगा। मैं जानता हूँ कि अक्सर लोग ये सोच रहे होंगे कि जो सबसे बड़ा मेजर इशू है कि टॉप या मार्जिन वाला, उसके ऊपर मैंने डिस्कशन नहीं की, उसके ऊपर मैं अलग वीडियो में ज़रूर बात करूँगा। लेकिन ये जो बातें मैंने आपसे की हैं ये भी बहुत मेजर हैं, ये बातों को हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते। इन्हीं बातों की वजह से चीज़ें ज़्यादा आगे से आगे बढ़ती हैं। तो आप लोग ज़रूर इन बातों के ऊपर भी ख़ास तवज्जो दें, कस्टमर को एक नेक नियति के साथ एक एडवाइस करें, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई या उसने अपना एक घर बनाने का जो ख्वाब है उसको वो पूरा करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग ज़रूर अपने चाहने वालों के साथ ये वीडियो शेयर करें और नीचे दिए हुए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत खुदा हाफिज़।